हेलो महादेव, मेरा नाम संदीप ठाकुर है और तुम लोग को एक बात बता रहा हूँ। सांप हमारे सर आकाश यादव सर वो बताते हैं और बहुत से स्नेक सेवर्स हैं जो सांप को बचाते हैं, वो भी समझाते हैं कि सांप को नहीं पकड़ना चाहिए, पर तुम्हारे टांगों के बीच में चुल मची रहती है कि तुम सांप पकड़ते हो और वो सांप काट लेता है। लड़की है सामने तो लड़की को दिखाने के लिए ओ सांप पकड़ो। दूसरा लड़के लोग हैं, शर्त लग गया। एक हाल ही में एक वीडियो आया था जो दारू पी के कुछ दोस्तों में शर्त लगा था, स्पेक्टल कोबरा या मोनोकल कोबरा था, उसने लगा डाला। समझा के सब थक जाते हैं, पर क्या नहीं, सांप दिखे तो पकड़ना है ही, सब कुछ करना है ही। तो तुम लोग को समझा के मतलब नहीं, मगर तभी भी प्यार से समझाता हूँ। आगे वीडियो है कॉमन क्रेत का, आप देख लो, उसके बाद प्यार से भी समझा दूंगा कि क्या है क्या नहीं। तो महादेव। साले बोलना जरूरी था बीच में, वीडियो बना रहा था ना। ये हमारा करई थे, इसको भी हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि ये करेत का डिज़ाइन है। अगर आपको देखना है सो वाइट वाइट लाइन रहता है, हर एक लाइन डबल पट्टी में रहती है। मैं स्नेक कैचर हूँ। एक बात करे, सबसे जहरीला सांप है ये, सांप के मामले में। ये जो अभी आपने सांप देखा था वो करेत था, हिंदी में करेत, इंग्लिश में कॉमन क्रेत, मराठी में मनियार इसे कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा जहरीला सांप रहता है, नाक से भी ज़्यादा जहरीला। अगर ये किसी को काट ले तो, अगर उसे जल्द से जल्द इलाज नहीं मिला तो मर भी सकता है, क्योंकि बहुत जन डर के मारे मर जाते हैं। और इसका जहर 5 घंटे तक में चढ़ता है, 5 घंटे में, और इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक रहता है। अगर ये सांप आपको कहीं भी दिखे तो आप उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, उसे मारें ना, उसे छेड़ने की कोशिश ना करें। किसी रेस्क्यूअर को आप बुलाएं और उनको बोले कि हमारे घर में ऐसा ऐसा है या कहीं आ गया है, वो उन्हें रेस्क्यू करेंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सांप से दूर ही रहें। अगर सांप आपको काट लेगा तो आपकी जान पे बन आ सकती है। और किसी को दिखाने के लिए, शॉफ करने के लिए आप सांप बिल्कुल ना पकड़ें, क्योंकि वैसे में बहुतों की जान जा चुकी है अब तक। और ये सांप रात के समय में ज़्यादा निकलता है, बारिश के समय में इसकी तादाद ज़्यादा रहती है, ज़्यादा दिखते हैं। और घर चूहे, मेंढक इत्यादि के खाने के फिराक में बाहर निकलता है और गलती से कभी कभी घर में भी घुस आता है, बिस्तर के अंदर या तकिए के अंदर या कहीं भी चला जाता है। और ये सांप के ऊपर थोड़ा भी दबाव पड़ता है या कुछ तो ये सांप सामने वाले को काट लेता है। तो आप इस सांप से दूर ही रहें, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं फिर नाम बता रहा हूँ, हिंदी में करे, इंग्लिश में कॉमन क्रेत, मराठी में मनियार। और जब ये हमने सांप पकड़ा था तब ये किसी कंपनी के दीवार पे चढ़ रहा था। आप वीडियो में देखे होंगे, एक कंपनी था, कंपनी के बाहर जो दीवार था उस पे से वो चढ़ रहा था। और आपको इसकी पहचान करनी है तो ये सर से लेके पूंछ तक पूरा ब्लैक में रहता है और वाइट कलर की पट्टी, डबल पट्टी रहती है। सांप को देखने के बाद अगर आसपास कोई लड़की है या शॉफ करने का मन कर रहा है तो ज़्यादा चुल मची है तो सांप पकड़ने का नहीं। सांप के दो दांत रहते हैं, उसमें से निकलते ही क्या जहर, सांप तुम्हारे को किस करेगा, उसके बाद तुम्हारा कामटा फिट होएगा। तुम अलग टेंशन में, तुम्हारे माँ बाप अलग टेंशन में, गलती से तुम गए भी भगवान को तो माँ बाप तो रोएंगे ही ना। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड होएंगी तो वो बोलेगी साला खर्चा वर्चा किया नहीं, अगर कंजूस रहोगे तो।
और अच्छे रहोगे तो गर्लफ्रेंड भी याद करेगी, मगर दूसरे दिन दूसरे के साथ तो ज़्यादातर ये जवान लड़के लोग ही करते हैं, और पीने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। अगर ये सब मजाक में ये अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट, मगर गाली मत देना, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मस्ती वाला वीडियो रहेगा पूरा, आज के बाद जो भी आएगा सब मस्ती से भरा हुआ रहेगा। तो महादेव।